बहुत साल पहले एक गांव में रेखा और महेश नाम के पति पत्नी रहते थे। घर में काफी खुशहाली थी। एक रात दोनों खाना खाने के बाद सोने जा रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस वक्त कौन आ गया? रुको, मैं देखता हूँ। महेश ने जाकर दरवाजा खोला और बाहर आया। दरवाजे के बाहर चादर ओढ़े एक व्यक्ति खड़ा था। भूख लगी है, खाना दे दो। अरे, ये कोई वक्त है भीख मांगने का? कल सुबह आना, चलो जाओ यहाँ से। उस व्यक्ति ने अपना हाथ चादर के बाहर निकालकर उसके सामने फैलाया। वो हाथ बिल्कुल सड़ चुका था। आज तक किसी ने मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। महेश वो हाथ देखकर बहुत डर गया और अंदर जाकर दरवाजा बंद कर दिया। क्या हुआ आपको? कौन था बाहर? शायद वो वही भिखारी चुड़ैल थी जिसके बारे में कल तुम बात कर रही थी। आपने उसे खाना दिया कि नहीं? नहीं, मैं तो बहुत डर गया था। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? अगर गांव में कोई भी उस चुड़ैल को भीख देने से इनकार करता है तो वो उसके पूरे घर को खुद की तरह भिखारी बनाती है। आप रुकिए, मैं अभी उसे खाना देकर आती हूँ। रेखा दौड़कर रसोई घर में गई और खाना लेकर चुड़ैल को देने के लिए बाहर आ गई। बाहर आकर रेखा ने देखा कि चुड़ैल वहाँ नहीं थी, बस उसका सड़ा हुआ हाथ टूटकर घर के सामने पड़ा था। वो हाथ देखकर रेखा और भी डर गई और खाने की थाली वहीं छोड़कर अंदर भाग गई। आधी रात बीत चुकी थी पर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। उस चुड़ैल की वजह से दोनों बहुत डर गए थे। थोड़ी देर में दोनों की आंख लग गई। घर के चारों तरफ एक भयानक सी शांति फैल गई। उतने में किसी ने दरवाजा खटखटाया। दोनों की नींद खुल गई और दोनों ही दरवाजे की तरफ गए। दरवाजा खुला हुआ था। दोनों धीरे से घर के बाहर आए पर बाहर कोई भी नहीं था। अचानक छत से एक चुड़ैल उड़ती हुई दोनों के सामने आई। उसका एक हाथ नहीं था। वो दिखने में भयानक और खूंखार थी। उसके पीछे से उसका हाथ उड़ता हुआ आया और उसके शरीर से जुड़ गया। रेखा और महेश ने घर के अंदर भागना चाहा पर उनके मुड़ते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। दोनों ही बुरी तरह से डर गए थे। तुमने मुझे भीख ना देकर बहुत बड़ी गलती की। अब तुम लोग भी मेरी तरह बेघर होकर सारी जिंदगी भीख मांगोगे। चुड़ैल ने रेखा और महेश को हवा में उठा लिया और घर को धीरे धीरे गायब करने लगी। घर को पूरी तरह से गायब करने के बाद दोनों को जमीन पर पटक दिया और जोर जोर से हंसने लगी। रेखा और महेश घर की दिशा में भागे पर घर वहां से गायब हो चुका था। अब तुम्हारी बारी। चुड़ैल उन दोनों के पास आने लगी। वो दोनों ही यहां वहां भागने लगे। चुड़ैल ने रेखा को पकड़ लिया और उसके शरीर पर अपना हाथ फेरने लगी। रेखा जोर जोर से रो रही थी। कुछ देर बाद रेखा का चेहरा उस चुड़ैल की तरह भयानक दिखने लगा और पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ने लगा। आखिर में रेखा का रोना बंद हो गया और वो मर गई। रेखा को मारने के बाद चुड़ैल महेश को ढूंढने लगी पर उसे महेश कहीं नहीं दिखाई दिया। वो भाग गया ये सोचकर चुड़ैल वहां से चली गई। रेखा, जो कि बाहर से पूरी तरह से चुड़ैल बन चुकी थी, वहीं पर मरी पड़ी थी। थोड़ी देर बाद महेश दौड़ता हुआ रेखा के पास आया और एकदम से डर गया। महेश ने रेखा को उठाया और पूछा, रेखा, ये तुम्हें क्या हुआ?
रेखा ने एकदम से आंखें खोली और वो देखकर महेश और भी ज्यादा डर गया। रेखा की आंखें पूरी तरह से लाल थी और चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेश रेखा को छोड़कर दूर हो गया। रेखा उठ खड़ी हुई और अपने आसपास देखने लगी। उसे महेश दिखाई दिया। रेखा की नजर उस पर पड़ते ही महेश डर गया। वो महेश को देखकर मुस्कुराई और उसे मारने के लिए उसके पास आने लगी। रेखा को ऐसे आते हुए देख महेश डर के मारे पीछे जाने लगा और पत्थर की ठोकर लगकर नीचे गिर गया। रेखा उसके नजदीक आकर उसका गला दबा देती है। थोड़ी ही देर में महेश की जान निकल गई। रेखा महेश को मारने के बाद एक घर की ओर गई और उसने दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने दरवाजा खोला। रेखा ने अपने हाथ फैलाए और कहा, भूख लगी है, खाना दो। औरत घबरा कर अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। रेखा जोरों जोरों से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज पूरे गांव को डरा रही थी। नितिन इस बार अपनी छुट्टियां बिताने के लिए अपने दोस्त राघव के गांव गया था। उसके पास अभी 2 हफ्ते बाकी थे जो वो उस गांव में बिताने वाला था। एक शाम यूं ही बरामदे में बैठे हुए नितिन राघव से पूछता है, यार तेरा ये गांव कुछ ज्यादा ही अजीब सा है। मतलब ना बिजली ना पानी, ये सब तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन यार ऐसा क्या है कि शाम ढलने के बाद इस गांव में कोई परिंदा भी नजर नहीं आता? ऐसा क्या अजीब है तेरे गांव में? भाई नितिन, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, ऐसे ऊटपटांग से सवाल मत पूछा कर। बस इतना समझ जा कि जैसे यहाँ के लोग रहते हैं वैसे रहने की कोशिश करना। कल रात को भी मैंने तुझे फोन पर बात करते हुए छत पर जाते देखा। मैंने तुझे बोल रखा है, एक बार अंधेरा हो जाए तो फिर बेडरूम में चले जा और फिर शांति से रहना है। वाह भाई, अब ये गांव वाले क्या कम थे जो अब तू भी इस फालतू बकवास में शामिल हो गया। भाई ये 21वीं सदी है, तू अब तक ये भूत प्रेत में फंसा है। देख नितिन, मैंने तुझको पहले भी बोला है और अब भी बोलूंगा, अगर अपनी सलामती चाहता है तो जब तक तू गांव में है सावधान और सतर्क रह। इतना कहकर राघव अपने कमरे में चला जाता है। इधर अकेले बैठा नितिन राघव की बातों को मन ही मन सोच सोच कर हंस रहा था। ये राघव भी ना, जब भी गांव आता है इसका हाव भाव ही बदल जाता है। वैसे ये सब बेवकूफ होंगे, लेकिन मैं इनकी तरह डरने वालों में से नहीं हूं। अरे जो चीज होती ही नहीं उसके चक्कर में मैं अपनी आजादी क्यों छोड़ू। नितिन को राघव की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था और ना उसके मन में कोई डर था। लेकिन जैसा कि एक कहावत प्रचलित है, कई बार डरना जरूरी भी होता है, क्योंकि कई दफा ये आपको मौत और भयानक तबाही से भी बचा सकता है। आज की रात नितिन का सामना भी कुछ ऐसी ही खौफनाक सच्चाई से होने वाला था, जिससे टकराने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता। रात को खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। धीरे धीरे रात और काली होती जा रही थी। इसी बीच नितिन को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। हेलो अंजलि, कैसी हो? लेकिन तभी उसके कमरे में सिग्नल वीक पड़ जाता है, जिससे वो घर से बाहर आ जाता है। उसके फोन का सिग्नल अभी भी वीक ही था, इसीलिए वो गांव के सुनसान इलाके में सिग्नल तलाशते हुए आगे बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो रहा था और अब वो अच्छी तरह बात कर पा रहा था। बात करते करते एक लंबा वक्त गुजर गया।
रात के करीब 12:30 बज रहे थे और नितिन भी बात करते करते बहुत दूर आ चुका था, जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं था। लेकिन तभी उसे अपने पीछे तेज पायल खनकने की आवाज सुनाई पड़ती है। उसे बड़ा अजीब सा लगता है, गांव की कोई औरत, और वो भी इस वक्त। इतना सोचता हुआ वो जैसे ही पीछे पलटता है, उसके होश उड़ जाते हैं। एक जले हुए चेहरे वाली औरत, जिसके पैर उल्टे थे और आंखें काली, वो उसके करीब आती है और इसके साथ ही नितिन एकदम जोर से चिल्लाता है और वहीं फिसलकर गिर जाता है। इसके साथ ही उसके फोन की बैटरी भी जवाब दे देती है और फोन स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन अगले ही पल वो डरावनी औरत नितिन की नजरों के सामने से गायब हो जाती है। अब ये उसका भ्रम था, वहम था, या फिर जो भी था, इससे उसे एक तेज धक्का जरूर पहुंचा था। अरे यार, ये ना जाने मैं घर से कितना आगे आ गया यार, कहीं वो राघव की बात सच तो नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसा भी भला होता है क्या कहीं। छोड़ो यार, अब जल्दी से घर जाता हूँ। अगर घर वाले जाग गए और मुझे नहीं पाया तो बहुत गुस्सा करेंगे। इतना सोचते हुए नितिन तेज कदमों के साथ घर की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन कुछ ही पल में उसके बढ़ते कदम थम जाते हैं। ये देखकर कि सामने एक पेड़ के पास एक उल्टे पैर वाली औरत स्थिर खड़ी है। भले वहां कोहरा अंधेरा था, लेकिन चांद की रोशनी में नितिन को वो उल्टे पैर साफ साफ नजर आ रहे थे, जो किसी औरत के थे। वो औरत पेड़ से सटी नितिन के ठीक उल्टी दिशा में खड़ी थी, जिस वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। इस बार फिर उसे शक होने लगा कि कहीं ये भी उसका वहम तो नहीं। लेकिन इस बार जो वो देख रहा था वो उसका वहम नहीं, एक खौफनाक सच्चाई थी। इसके बाद वो वापस पीछे मुड़ जाता है और अपना रास्ता बदल देता है और दूसरे रास्ते से घर की तरफ जाने लगता है। ये रास्ता एक कच्ची सड़क जैसा था, जो कि एकदम सुमसान और अंधेरे में खोया नजर आ रहा था। नितिन घबराया हुआ लगातार उस रास्ते से आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक और बात थी कि उसे खुद नहीं मालूम था कि ये रास्ता आखिर जाता कहां है। अब क्योंकि वो इस गांव से नहीं था तो उसे बहुत कम जानकारी थी यहां के लोग और यहां की सड़कों के बारे में। वो बस यूं ही चले जा रहा था, क्योंकि मेन रोड पर वो चुड़ैल घाट लगाए खड़ी थी। नितिन उस कच्चे रास्ते पर भी काफी आगे तक आ चुका था और तभी अचानक वो रास्ता खत्म हो जाता है। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और तभी अचानक से सामने वही औरत प्रकट होती है जो उसे अभी चौराहे पर दिखी थी। नितिन डर के मारे कपकपाने लग जाता है। उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी रह सके। तभी वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल एक भयानक आवाज में बोलती है, क्या तुझे इस गांव में देर रात भटकने का अंजाम नहीं मालूम? अंजाम केवल मौत है, मौत। अब इसके लिए तैयार हो जा। इसके बाद वो चुड़ैल नितिन के पैर पकड़कर उसे जंगल के रास्ते पर खींचने लगती है। नितिन लगातार रहम की भीख मांगता है। नहीं, अरे अरे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी उसे एक और आवाज सुनाई देती है, नितिन, नितिन।
यह आवाज राघव की थी। इस आवाज को सुनते ही नितिन खुशी से चिल्लाने लगता है, राघव मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ, जल्दी से आ जा। राघव अपने दादाजी के साथ हाथ में मशाल लिए वहां आता है। मशाल को देख के वो उल्टे पैरों वाली चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है और नितिन मौत के मुंह में जाने से बाल बाल बच जाता है। जिसका डर था वही हुआ ना, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वो तो शुक्र है तेरी गर्लफ्रेंड का, जिसने कॉल कट होने से पहले तेरी चीख सुनी और तुरंत मुझे कॉल किया और हम यहाँ पहुंचे, वरना आज तो तेरी जिंदगी का चैप्टर क्लोज था। अरे हाँ यार, अब मुझे याद आया, जब मैं पहली बार उस चुड़ैल को देख कर चीखा था तब मेरा फोन चालू ही था। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। तुम्हारे जैसे बच्चे ना जाने इस उम्र में क्यों इतनी नादानियां करते हैं। जब तुम्हें बोला गया है कि एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल इस गांव में हर रात घूमती है और जवान पैरों की तलाश में होती है, तो तुम्हें इसका खौफ होना चाहिए। खैर, ऐसी बेवकूफी फिर कभी दोबारा मत करना। इसके बाद सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। गांव घरों में यही मानना है कि चुड़ैल के पैर हमेशा उल्टे होते हैं, जिससे आप एक बड़ी सी भीड़ में भी ये पहचान सकते हो कि कहीं इंसान के भेष में आपका सामना किसी चुड़ैल से तो नहीं हुआ। आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं बल्कि भूत है। जी हाँ, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है, अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहाँ चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही रास्ता तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दे। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो, कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अकल क्या तुम्हारी घुटनों में है भाई? ये भूतिया प्रोजेक्ट है, इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना, कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो, वैसे तो हमने
पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है, और अगर अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है, जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है, और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या, कौन मैं? अच्छा अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओ शिट, अब ये क्या हो गया? लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है, ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए सिवाय रवि के, रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है, और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी, मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि
रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहां पड़ी उस पोटली पर पड़ती है जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है। बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं। आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया।